आपने देखा होगा कि कई लोगों के घर में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखी होती है। कहा जाता है कि अगर लाफिंग बुद्धा रखा जाए तो काफ़ी शुभ होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये लाफिंग बुद्धा कौन थे और ऐसा क्या है कि उनकी मूर्ति को तरक्की या फिर खुशहाली से जुड़कर देखा जाता है? तो जानते हैं उनसे जुड़ी हर एक बात के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाफिंग बुद्धा जापान के रहने वाले थे और गौतम बुद्ध के कई शिष्यों में से एक थे। इनका नाम होता ही था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई उन्होंने हंसना शुरू कर दिया था। होता ही एक गांव से दूसरे गांव जाकर एक दूसरे को हंसाया करते थे और गांव वाले उनसे काफ़ी खुश रहते थे। हंसना ही उनकी खासियत थी, इस वजह से नाम पड़ा। माना जाता है कि गौतम बुद्ध के बाकी शिष्यों की तरह वो प्रवचन या फिर भाषण नहीं देते थे बल्कि हमेशा हंसने का संदेश दिया करते थे। कई लोग कहते हैं कि वो जहाँ भी जाते थे वहाँ भीड़ हो जाती थी और लोग उनसे मिलने आते थे। उनसे मिलकर लोग काफ़ी खुश होते थे और इस वजह से उन्हें पॉजिटिविटी से जुड़कर देखा जाता है। उनका मानना था कि ज्ञान कर्मों से मिल जाता है, इसके लिए उपदेश की जरूरत नहीं है। उनका मानना था कि कभी रोना नहीं चाहिए और हंसते रहना चाहिए। अलग अलग तरह के लाफिंग बुद्धा के लिए अलग अलग कहानी है। कहा जाता है कि जिस लाफिंग बुद्धा के हाथ ऊपर होते हैं वहाँ तरक्की होती है, लेटे हुए लाफिंग बुद्धा से किस्मत खुलती है और पुटली लिए हुए लाफिंग बुद्धा के जरिए पैसे की कमी दूर होती है। जिनके हाथ में थैला होता है वो व्यापार के लिए शुभ माने जाते हैं। आई होप आपको लाफिंग बुद्धा के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।